अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। भारतीय साबिक कप्तान विराट कोहली अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अभी ऐलान कर दिया कि वो मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। इस साल आईपीएल और पिछले 3 सालों में एक भी सेंचुरी ना बनाने की वजह से विराट कोहली जहनी तौर पर बहुत परेशान थे और बहुत से साबिक खिलाड़ियों ने भी विराट कोहली को ये मशवरा दिया था कि वो अब इज्जत से घर चले जाए और क्रिकेट को हैरबाद कह दे। आज विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि वो मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते और वो इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी सीरीज़ खेलेंगे, जिसके बाद वो हमेशा के लिए क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का जिक्र भी किया और ये मान लिया कि इस वक्त बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। विराट कोहली का कहना था कि इस वक्त बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म में है और मुझे ये मानना होगा कि वनडे और टी20 क्रिकेट में बाबर आजम अब मुझसे बहुत आगे जा चुके हैं।